आपने मुझे खूब सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा सराहा मेरा काम देखकर कि आपने भी मुझे खूब सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा सराहा मेरा काम देखकर आज मेरे पिताजी की भी छाती गर्व से चौड़ी हो गई अपने बेटे का दुनिया में ऐसा नाम देखकर। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया माइक चेंज हो चुका है, तो आवाज अच्छी आ रही है या पहले से ज्यादा बुरी कमेंट में जरूर बताना। और यही नहीं, अभी और सुनिएगा, तो कल जो हम लोग ने रूम टूर कराया वो आपको कैसा लगा ये भी बताना। और साथ ही हम लोग बहुत ही जल्द ब्लॉग वगैरह और लाइव स्ट्रीम चालू करने वाले हैं विद फेस कैम, तो आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं ये भी बता देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल मैंने जो रूम टूर की वीडियो डाली उसमें बहुत सारे बिहाइंड द सीन भी हैं जिसमें मैंने भैया बहुत दम किया हूं। तो वो वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, पर मैं ये जानना चाहता हूं क्या मैं इन सब चीजों के लिए एक नया चैनल बना लूं या फिर सब इसी में डालूं, कमेंट में लगे हाथ ये भी बता देना। फिलहाल अब बात करते हैं इस गेम प्ले की, तो अब की बार 30 के पार फिर से तुम्हारे भाई ने कर दिखाया यार। और जब केल हो जाते हैं 30 के पार तो इंटेंस तो होता ही यार, तो वीडियो को पूरा देखना काफी मजे टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे मिलिट्री बेस, तो खत्म करते हैं के सारे केस, देखो यार कैसे। भाई मुझे एक क्या आपको रॉयल पास चाहिए या चाहिए क्रिएट ओपनिंग के लिए बहुत सारी यूसी, तो फिकर नॉट ब्रो, तेरा ब्रो इज प्रो। मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इजी और ट्रस्टेड मेथड जिससे हर हफ्ते लाखों लोग रॉयल पास जीत रहे हैं और यूसी के लिए पैसे भी। तो सिंपल है, बिंजो ऐप पे जाओ, गेम खेलो और रॉयल पास के लिए रजिस्टर कर दो। पर अगर अभी भी कुछ लोग बिंजो के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिंजो है भारत का बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पूल जैसे गेम खेल के जीत सकते हो 50,000 रुपए तक का कैश। तो यहां से पैसे जीत के यूसी खरीदो और करो रोज क्रिएट ओपनिंग, और यहां पे आपको अपने जैसे ही रियल प्लेयर भी मिलेंगे, तो जीतना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आप पूछोगे फौजी भाई पैसे जीत तो गए पर निकालेंगे कैसे, तो पेटीएम यूपीआई और बैंक अकाउंट के थ्रू फटाफट निकाल सकते हो यार। खैर चलो लगे हाथ मैं आपको दिखाई देता हूँ कि बिंजो से आप रॉयल पास कैसे जीत सकते हो। तो बस इस ऐप को आप किसी भी अपने फैन को रेफर कर दो, और एक बार जब वो साइन इन कर ले तो प्रमोशन टैब पे जाके इस बैनर में क्लिक कर देना है, और फिर सिंपल इस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भर के रजिस्टर कर दो। हर हफ्ते 10 लोगों को मिलेगा गिव अवे जीतने का मौका। तो कर क्या रहे हो मेरे भाई, फटाक से जाके डाउनलोड करो बिंजो और रजिस्टर कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बुरे वक्त में तो अपने तक साथ नहीं देते, पर मेरी माँ के आंचल ने हर बुराई से बचाया है कि बुरे वक्त में तो अपने तक साथ नहीं देते, पर मेरी माँ के आंचल ने मुझे हर बुराई से बचाया है। और देखकर तुम्हारे भाई का ये ताबड़तोड़ क्लच मेरे टीममेट भी बोले वाह फौजी भाई वाह, क्या ही गदर मचाया है। अब यहाँ उतरते ही मैं नॉन स्टॉप 6 बंदों की पेटी बनाता हूँ, और उसके बाद हमारे सम्मानीय आदमी बोर्ड दादा मिलते हैं तो इनको भी सम्मान पूर्वक निपटा देता हूँ। पर एक बात याद आ गई तो वो भी सुन लो। तो देखो भैया कल हम लोगों ने जो ब्लॉग डाला एक्चुअल में यार वो हमारा पहली बार था, मतलब पहली बार हम लोग कैमरा के सामने आए। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान थोड़ा सा शर्मा जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो वो ही सीन था मेरे साथ। पर कल के बाद से जो गट्स फीलिंग आ रही है ना, मैं आपसे वादा करता हूँ भैया कि आगे से जो भी ब्लॉग आएंगे ऐसी गजब की एक्टिंग होगी ना कि आपको देख के मजा ही जाएगा। पर फिलहाल इस क्लच का मजा लो। गाड़ी आई, अबे पीछे बंदा है, अरे यार टावर भी बंदा है, वे नीचे को तक जाता है। अरे गजब, अंदर रहना, कोई बाहर मत आना। अब यहाँ पे ऋतु हो गई थी नॉक, और आपको पता ही है कि लड़की मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो उसको बचाना भी जरूरी था। पर हमारी बिल्डिंग में भी बंदे बैठे पड़े हैं, तो पहले इनको निपटाते हैं। अरे
ओपी। Help! I'm being surrounded! कल एक लड़का मुझसे कहता है, फौजी भाई मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था पर वो मुझे छोड़ के चली गई, तो उसे मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जिसके बाद मुझे फील हो कि हाँ आज मैंने अपने दिल की भड़ास उतार दी। तो भैया मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे क्या कहो, लेकिन दर्शकों उससे पहले आप लोग कानों में ईयरफोन जरूर लगा लो। तेरे हुस्न को देख के दिल कर देता था हाय, कि तेरे हुस्न को देख के दिल कर देता था हाय, लेकिन अब तू महाचुदाए। बस इतना कह देना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे दिल की भड़ास निकल जाएगी, क्योंकि बाबा जाने मन की बात। बोलो जपनाम जपनाम जपनाम। पीछे से बंदे मार रहे हैं। अब यहाँ पे टावर वाले बंदे को मैं नॉक करता हूँ और उसके बाद पेटी भी बना देता हूँ, पर एक बंदा होता है जो कि लेफ्ट से मेरे ऊपर गोली चलाया था, तो मैं लूटा लाटी करके सीधा इस तरफ आता हूँ और यहाँ आते ही मुझे एक बोट जैसा बंदा दिखता है। देखो यार आप भी क्या करता है ये बंदा? अब बताओ ये बोट था कि बंदा, पर जो भी हो फौजी मारता बहुत गंदा, तो इसकी भी मैंने पेटी बनाई और उसके बाद सच में मुझे काफी सारे बोट मिलते हैं, तो उनको निपटा के मैं गाड़ी की तरफ जा ही रहा था पर तभी पीछे बहुत ये बूंद है टपक गया। और ये एक बूंद थी जो कि टपक गई और इसी के साथ हो जाता है पूरा मिलिट्री बेस खाली। तो भाई लोग ठोको ताली। फिलहाल पहले अगर मेरे पास यूएस या फिर डासिया होती थी तो मैं मिराडो कभी नहीं लेता था, पर अब ये महंगी सेकंड खरीद ली है, मतलब गिफ्ट में मिली है, तो उसके बाद भैया ना चाहते हुए भी इस मिराडो को चलाना पड़ता है। फिलहाल अब जरा ये सीन देखो। तुम चला रहा है वहीं पे, रुके शायद। जो बचा ले हमें बारिश और धूप से वो और कोई नहीं हमारा छाता है, कि जो बचा ले हमें बारिश और धूप से वो और कोई नहीं हमारा छाता है। और बेटा अच्छी अच्छी स्क्वाड टक जाती है घुटने पे जब जब फौजी सीजे मैदान में आता है। तो यार यहाँ पे दो बंदे होते हैं, दोनों की मैं पेटी बनाता हूँ। तो अगर अभी तक का ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। फिलहाल इनकी पेटी बनाने के बाद हम लोग लूट लाट करके सीधा सकूल अपार्टमेंट जाते हैं और यहाँ आते ही हमको दो तीन गाड़ियां खड़ी हुई दिखती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया बंदे तो होंगे, पर एक्चुअल में जो बंदे होते हैं वो इस वाली बिल्डिंग में नहीं बाजू वाली बिल्डिंग में होते हैं। तो मैं निंजा टेक्निक करके सीधा यहाँ जाता हूँ और देखो यार आप क्या ही सीन होंगे। नीचे को जा। Marked a location. बच्चे भी खुश होते हैं मेरी वीडियो देखकर, उन्हें कुछ खास नहीं लगता छोटा भीम में, कि बच्चे भी खुश होते हैं मेरी वीडियो देखकर, उन्हें कुछ खास नहीं लगता छोटा भीम में। और लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाया करो यार अगर मजा आता है आपको एक भी सीन में। तो यार इस क्लच के बाद अपने अंगूठों को बिल्कुल मत रोको, लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबा के ठोको प्लीज।
फिलहाल किल हो चुके हैं 27 और हम मुझे लगने लगा था कि अब की बार 30 के पार हो जाएंगे यार, इसलिए मैं बिना किसी देरी के फटाक से आगे की तरफ जाता हूँ। लेकिन काफी देर बंदों को ढूंढने के बाद भी हमको कोई नहीं मिलता, तो फिर मैं गोरे गोपाल की तरफ जा रहा था और तभी बीच रास्ते में ही ये सीन होता है। अब मुझे लगा कि ये बंदे भाग गए हैं पर ये रुके थे, तो देखो यार इनको कैसे निपटाते हैं। मैं बिना शादी के बन चुका हूँ बाप, पर इसके पीछे कोई कहानी नहीं है कि मैं बिना शादी के बन चुका हूँ बाप, पर इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। तो भैया ये एक लड़की थी क्वीन सायोनेरा या सुनेरा जो भी लिखा हो, तो इसकी भी मैं पेटी बनाता हूँ। और अब बचे इस मैच में से 3 बंदे। तो मैं रास्ते से जा रहा था, टीममेट से बता रहा था, उतने ही मुझे सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है जिसकी सिर्फ छत दिख रही थी। पर ये गाड़ी भैया यहाँ पे स्पॉन तो होगी नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई बंदा छुपा पड़ा है। और देखो यार वो कहाँ होता है। अब जैसे ही मैंने बम फेंका तो चाचा ने भी फेंका, और इस बम बबूरे के खेल में देखो यार कौन जीतेगा। ऊपर ही बैठा है एक ही नारा एक ही नाम, बोलो जजाए श्री राम। तो यार फाइनली अब की बार 30 के पार तुम्हारे भाई ने कर दिखाया यार, काफी दिनों के बाद हुए भैया। पर अभी भी इस मैच में एक बंदा बचा पड़ा है जिसे हम चारों टीममेट अलग अलग गाड़ी में ढूंढते हैं, और देखो यार अभी हमें कहां मिलेगा। इधर आओ इधर आओ, इधर बेस लगाते थे। ओ ओ कोई बंदा बंदा बंदा। तो बेस के तू करके मेकअप चेहरे पे न जाने अपने आप को क्या समझती है कि तू करके मेकअप चेहरे पे न जाने अपने आप को क्या समझती है बेटी, तुझसे ज्यादा गजब तो फौजी सीजे की किल भी चमकती है। तो यार फाइनली इस बंदे को मैं निपटा देता हूँ और इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो आज का ये गेम प्ले आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और साथ ही इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी।